सुनती हो, मैंने हमारे गणपति के विसर्जन के लिए इस बार 21 ढोल ताशे मंगाए हैं। इस बार सबसे ज्यादा आवाज हमारे गणपति में होगा। अरे वाह, ये तो अच्छा है। पर मिसेस वैद्य ने 18,000 की साड़ी खरीदी है। मिस्टर वैद्य मिले तो उनको बोलना हमारी 22 की है, 5 की। बिल्कुल, आपके लिए जरूर बोल देंगे। चलो यार, बहुत काम है। चलो सुनिए जी, जरा बाजार से गणपति के लिए मिठाई तो ले आना, और हाँ, सोने के वरक की ही लाना। पता है शर्मा जी के यहाँ पर बड़े बड़े डब्बे दिए जा रहे हैं प्रसाद के लिए। अच्छा, ले आता हूँ, जरा तिजोरी से पैसे ला दो। मेरे लिए बहुत सारे पटाखे भी लाना। आपको पता है चिंटू के पापा ने तो बहुत सारे पटाखे लाए हैं मेरे लिए भी। अच्छा ठीक है, चलो। भाई सुमित, क्या चल रहा? बाबा अपना बप्पा आ गया यहाँ पे। बप्पा के ऊपर अपन लोगों ने 1 करोड़ रुपया खर्च किया पूरा का पूरा। अपना एकदम का बेस्ट ही मांगता है, बस नाम चाहिए अपन को अपना यहाँ पर। क्या समझा? पूरा का पूरा नाम, जितना लगे उतना लगे लेकर आ, बढ़िया लोगों को। ठीक, चल सुन। हेलो, मेरे घर जा। अपना बप्पा कितने का? 18 फीट POP। उनका कितने का? 14 फीट मिट्टी का। समझा? जितना पैसा लगता है ना एसी लगवाना मंडप में, एसी लगवा। और कुछ अच्छा बढ़िया यार, ये क्या पहना मान्यवर का? कुछ पहन बढ़िया। ठीक, अच्छा देखने का सबका। चल 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 चल। अरे भाऊ, आपको पता है हमारा पथक कितना फेमस है? अरे लाल बाग वाले सामने से बुलाते हैं, 5 पेटी देते हैं। हम ढोल के साथ 2-3 स्टंट भी करते हैं। अरे भाऊ देखो, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारा फोन उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि सस्ते में उठाओ। 1 पेटी से कुछ नहीं होगा भाऊ। पता है मेरे ढोल वाले पुनेरी ढोल, नासिक ढोल सब बजाते हैं। तुम जरा सोच समझ के जवाब दो, 1 पेटी से कुछ नहीं होगा। सोचो, हमारे पथक की इज्जत रखो। अरे छोटू, शर्मा जी के घर मिठाई दे आया कि नहीं? सही दाम बताए कि नहीं? कितने पैसे लिए? इस साल तो अपुन को दुगना मुनाफा कमाना है भैया। मैं तो सोच रहा था कचरे में पड़ी हुई मिठाई वापिस बेच दूं। लोग खाते थोड़ी है, बोल देंगे कि स्पेशल गणपति के लिए बनाई मिठाई है। इसी बहाने कीमत भी दुगनी कर देंगे, लोग तो खरीद ही लेंगे। जरूरी सूचना, आज भारत सरकार ने एक नए कानून की घोषणा की है। कानून ये है कि आज रात 12 बजे से गणपति विसर्जन करना गैर कानूनी माना जाएगा। विसर्जन के नाम पे जोर जोर से गाने बजाना या सड़कों पे नाचना या पटाखे फोड़ना आज रात 12 बजे से सब गैर कानूनी होगा। अरे ये क्या है? अब ये पढ़े लिखे लोग हमें समझाएगी कि क्या करना है। जो इतनी मिठाई में गणपति के लिए लाई हूँ उसका क्या करेंगे? गरीबों में बांट दें? अरे गरीबों में बांटेंगे तो भूखे कैसे मरेंगे? नहीं नहीं, मैं तो इन्हें कचरे में ही फेंकूंगी। जैसे लोग बताते हैं कि कैसे गणेश उत्सव मनता है, हमारा मंडल नंबर एक है कि नहीं है? हम इतना कुछ करते हैं लोगों के लिए, अब ये सब बंद कर देंगे हम लोग इलेक्शन कैसे जीतेंगे? लोग खुश कैसे रहेंगे बता तू? मैं पटाखे कैसे फोड़ूंगा और एयर पोल्यूशन कैसे करूंगा? और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पास हो जाएंगे। हानिकारक मिठाई खाके तो लोग बीमार पड़ते, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो मरेंगे कैसे? और देश की आबादी कैसे कम होगी? नहीं नहीं, नकली मिठाई तो बेचनी पड़ेगी, आखिर देश का जो सवाल है। अगर यही चलता रहा भाऊ तो धंधा तो चौपट हो जाएगा। बिजनेस अगर ठप हो गया तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश तरक्की करेगा तो इनको कैसे परेशान करेंगे? साल दर साल आप सब मेरी पूजा करते आए, हर साल आप सब मेरे स्वागत इतने धूमधाम से करते हैं। वो शोर, वो गीत, बाजा बजाना, ये सब मुझे बेहद पसंद आता है। पर फिर ये आभास होता है कि इस सब का क्या परिणाम है? इतने धन और राशि की बर्बादी सिर्फ एक महादेव के पुत्र के स्वागत के लिए? अरे मैं तो हर साल आता हूँ, पर मेरे विसर्जन में जो एक बीमार एम्बुलेंस में पीड़ित रहता है, एक बच्चा जो किसी भीड़ में खो जाता है, वो लोग जो आपकी आस्था को अपना धंधा बना बैठे हैं, उनका हिसाब कौन करेगा? मेरे लिए प्रेम कब तुम सबका स्वार्थ बन गया? ना आप समझ पाए ना मैं समझा पाया, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मन से मुझे याद करो और दिल से भला काम करो, सिर्फ मैं गणेश क्या, मेरे पिता भी आप सबसे प्रसन्न होंगे। तुम्हारी भक्ति और मेरी शक्ति, ये दोनों जब मिलेगी तभी तो हम शांत और सुखी का समाज बना पाएंगे।